अरे आजा आजा, कैसा है? चल रहा है। कैसा है भाई? अच्छा। अरे बैठ बैठ, ऊपर बैठ। नहीं भाई, ऐसे दिन का बहुत खराब चल रहा है, यहीं पे ठीक है। अरे तू भी बैठ। क्या हुआ तुझे, इतना परेशान क्यों तू? कुछ मत भाई, मैं परेशान हो गया हूँ। हर रोज सोके उठता हूँ तो वही एक ही सपना रिपीट होता जा रहा है। मैं पूल में गिर रहा हूँ, सना मेरे कान के सामने चिल्ला रहा है। मैं हर दिन ये एक ही सपना देख देख के मैं थक चुका हूँ। मैं कब से सोच ही भी रहा था कि तुझे बोलूँ। माया को बोल यार, मेरे लिए कुछ सोचे, कुछ करे मेरे लिए। मैं परेशान हो गया हूँ मैं ये सबसे। क्या बोलूँ तुझको, माया तो थी नहीं ना वहाँ पे। माया तो सब कुछ हो जाने के बाद आई, और हम लोग क्या क्या फेस किए तो देखी नहीं ना। और आजकल मेरे साथ भी ये सब चीज़ हो रहा है, पता नहीं हर दिन कुछ ना कुछ अजीब और अजीब चीज़ हो रहा है मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा है। उसको समझाने की जाओ तो वो समझती नहीं है, सुनती नहीं है, वो अपना उस काम पे व्यस्त है। तो क्या करो, समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ, परेशानी क्या है तुम लोगों का? अरे भाई, अरे परेशानी तो बताओ। रूम में देखते हैं तो कौन आए। अरे आजा, कैसा है? कैसे? अच्छा। देख अखिल भी है यहाँ पे। अरे यार कैसा है? अरे अरे भाई कैसा तू यहाँ पे, और कैसा है? बस चल रहा है। बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ कॉलेज के बाद। बहुत दिन हो गए। तू यहाँ पे? हाँ मेरा बढ़िया है। अच्छा अच्छा, कैसे जानते हो आपने एक दूसरे को? ये मेरा कॉलेज का एक साल का जूनियर। अरे अरे बैठते सब बैठते। हाँ हाँ चलो चलो चलो। अरे अखिल तेरा वाइफ का है? अरे वो तो मायके गया हुआ है। ओ तेरा? अरे तू तो पता है ना मायके बारे में, घर पे कहाँ रहती है वो? अरे यार मैं सोचा, मैं देखो मैं मेरा हस्बैंड को लेकर आया, मैंने सोचा तेरा वाइफ भी रहेगा। अरे मैं तो बोला था उसको रहने के लिए, पता नहीं अब काम है उसका वैसे। हाँ वैसे भाई काम क्या करती है? अरे वो और भी डर है, वो जो भूत तक भगत है। देखो भाई सबको बोल रहा हूँ, हाँ इन सब चीजों को लेकर ना मजाक मत किया करो, ये बहुत सीरियस चीजें हैं एंड मैं इसमें पूरा बिलीव करता हूँ। प्लीज इसको लेके भाई, स्पेशली जो नॉन बिलीवर है, प्लीज मजाक मत करो इसको लेके। तुम कब से ये सब मानने लगे? मेरे को तो कभी ये सब बताया नहीं। ये सब तो बोलने वाली बात नहीं है। अच्छा तो आज डिस्कशन हो रहा है ग्रुप में, इसीलिए बता रहा हूँ। ओह अच्छा, नहीं मेरे साथ कभी ऐसे इसके बारे में बात नहीं हुआ, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम कब से मानने लगी। अरे तुम भी मानते हो कि ऐसा भूत भूत वगैरह है? अरे पूछो ही मत, मेरे साथ भी ऐसे ऐसे छोटी छोटी कुछ अजीब सी चीजें होती रहती है ना, कि कभी कभी मैं उसको भी बोल नहीं पा रहा। क्या? अरे ऐसा भी हुआ है? हाँ हुआ है। ऐसी एक अचानक से इंसिडेंट हुआ था, मैं और त्रिशा सो रहे थे एक रात को, मुझे पता नहीं टाइमिंग क्या था, अचानक से बहुत धीमी आवाज़ मेरे कान पे आई और उसके बाद ही ना मतलब क्या हो गया मुझे पता नहीं, मुझे कुछ याद भी नहीं है। अचानक से ना
मतलब ऐसा कुछ हुआ था ना उस दिन, अजीब सी बोली मेरे कान के सामने, कान के आसपास में सुनाई दे रही थी। पता नहीं कैसा क्या हो गया, मतलब एक अदृश्य से एक शक्ति था या फिर थी, मुझे पता नहीं, अचानक से मुझे रोक लिया था। और वो फीलिंग ना, मैं मतलब अच्छा तुम लोगों का स्टोरी बाद में सुन लूंगा, मुझे एक अर्जेंट कॉल है, अभी जाना होगा। तो ठीक है, बाय, चलते हैं। हाँ, मिलते हैं फिर। हाँ, चल बाय, चल छोड़ देता हूँ। ये कब हुआ? मैं ये सब बिलीव नहीं करती। तुम क्या, कब हुआ है ये सब? अरे माया, हाय हाय हाय, तुम अचानक से? बेल बजा रही थी, सुनाई नहीं दिया? नहीं, हम लोगों को तो कुछ सुनाई नहीं दिया। सुनाई दिया क्या? नहीं सुनाई नहीं। हाय त्रिशा, हाय गेस्ट। हाँ, मेरा हस्बैंड है। ओह हेलो, नमस्ते नमस्ते अखिलेश, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो कुछ ठीक नहीं है माया, एक्चुअली कुछ ठीक नहीं। क्या हुआ अखिलेश? ये बिलीव कर रहा है, ये बिलीव नहीं कर रहा है। तुम्हें तो पता है क्या हुआ था। इसको मैं बोल रहा था कि क्या हुआ, तुम्हें तो परेशान क्यों अखिलेश? क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे एक ही सपना बार बार रिपीट हो रहा है, वो मैं बोल रहा था इसको। अरे जो हम लोग सेटन वाला हुआ था ना, जो तुमको बता रहा था मैं, ठीक है अखिलेश, अखिलेश काम डाउन, अखिलेश वी हैव गेस्ट, काम डाउन। मैं बहुत दिन से बात करना चाह रहा था अखिलेश, आई कैन अंडरस्टैंड, सिट कम सिट विल टॉक, सिट कम कम सिट 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 विल टॉक। हां सिट ना, सिट विल टॉक, तुम ही बात। हां श्योर। सो हाउ आर यू त्रिशा? फाइन, I'm sorry, we कभी interaction नहीं हुआ, इसलिए I am Maya, his wife, and you're Pratyay, right? Yes. Okay, so क्या believe and non-believe चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। Actually मुझे भूत प्रेत में कुछ विश्वास नहीं है। अच्छा, तो वो बोलता रहता है कि उसको कुछ सुनाई देता है, क्या नहीं देता है, कुछ अजीब सी सुनाई देता है, मुझे कभी भी बताया भी नहीं है, और मुझे लगता है ये सब बकवास है। तो तुम देखो क्या बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। आवाजें सुनाई देती है? एक दो बार जब भी मैं अकेला रहता हूँ ना घर पे, वो जैसे तुमको पता भी है कि हम दोनों ही काम करते हैं, कभी कभार मैं जल्दी आ जाता हूँ घर पे, या फिर कभी कभार मैं घर से थोड़ा देर से निकलता हूँ, तो मतलब ऐसा कुछ आवाज है ना, मतलब मेरे कानों के आसपास में गूंजता रहता है। लैंग्वेज जो है मुझे समझ में नहीं आता, कौन सा लैंग्वेज है, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। किया मैं अखिलेश से भी बात किया, आपके हस्बैंड से भी बात किया, बोला, लेकिन पता नहीं मुझसे ही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे तो विश्वास नहीं होता है, तुम देखो। अरे इसको तो तुम जानते हो, इसको इतना हम लोग के साथ इतना कुछ हुआ है, हम लोग शेयर किए, एक भी बात नहीं बिलीव कर रहा है, पहले ऐसा होता ही नहीं है, नहीं है ऐसा, नहीं होता, नहीं होता है। अच्छा इफ यू डोंट माइंड, कि क्या मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ थोड़ा बात कर सकूं? हां डेफिनेटली, व्हाई नॉट। प्रत्यय अपना हाथ मेरे हाथ में दोगे? दाना ये बाया कोई भी। ओके प्रत्यय, कब से ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ? पिछले तीन चार महीनों से। दो तीन महीनों से स्पेसिफिकली है ना? शायद वो 12 फरवरी था, है ना? डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ होगा, मार्च या फरवरी ऐसा ही कुछ होगा शायद। पहली अमावस्या की रात। पर्टिकुलरली वो सब चीज मुझे याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, ठीक है। कभी एग्जॉर्सिज्म देखा है या प्लैंचेट देखा है तुमने? हाँ मुझे प्लैंचेट के बारे में पता है, लेकिन टीवी में से, मूवीज में से कभी किया हुआ नहीं है, तो एक्सपीरियंस
प्रैक्टिकल नहीं है, टीवी से सुना है, दिखा भी है टीवी में, कोई बात नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता है। नहीं, ठीक है ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। अखिलेश अखिलेश मुझसे बात करो। अखिलेश नहीं, क्या बात करूं, कोई बिलीव ही नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं बिलीव करती हूँ। तो क्या तुमको वही सपना बार बार वापस, वही वही सपना, वही आवाज, वही सनाया का जो चीखना, सब मुझे हर दिन जब भी मैं सोता हूँ उसी वक्त मेरे कान में वही चीखना आ रहा है, वही एक ही सपना में पानी में गिर रहा हूँ, वही एक ही मेरे से हैंडल नहीं हुआ। सबका बात तो मैं जान गई, पर क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? माया, मैं तो तुमको कितने बार बोला हूँ कि ये सब मुझे कुछ एक सही जो तुमने बिल्कुल तरीके से देखा हो, और वो दिन मुझे बताना पड़ेगा जिस दिन तुमने वो देखा हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारे हस्बैंड का सैटर्न के साथ कोई कनेक्शन है। सैटर्न? क्या बोल रहे हो? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, फिर से वही सैटर्न का चीज मुझसे कैसे लिंक हो सकता है वो वाला? मैं अभी बता देती हूँ कैसे लिंक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम कभी भी पीताम्बर बंगले में गए हो? पीताम्बर बंगला नाम सुनो सुनो, हाँ हाँ हाँ, मैं अप्रैल या मार्च के एंड में ऑफिस टूर के वहाँ पे गया था, ऑफिस टूर में। अच्छा, वहाँ तो पे मेरा याद दोस्त सभी थे, ऑफिस कलीग सभी थे वहाँ। कुछ ऐसा हुआ था, कुछ अनयूजुअल टाइप जो याद हो? अनयूजुअल टाइप कुछ भी, छोटी से छोटी बात। देखिए मीटिंग वगैरह में गया था मैं वहाँ पे, मीटिंग के बाद तो हम लोग नेचुरली कॉटेज में लौट ही रहे थे, मेरे याद दोस्त सब कॉटेज में थे, मेरे साथ मेरा एक दोस्त ही मेरे बंगलों में खड़ा रुका था, वो भी बंगलो बोले तो मतलब स्टूडियो टाइप बंगलो नहीं, मतलब छोटा काइंड ऑफ एक डुप्लेक्स काइंड ऑफ बंगलो। कुछ भी ऐसा कोई आया? हाँ, तो वहां पे एक बूढ़ी औरत आई थी। अच्छा। शाम के वही 6 से 7 बजे के अंदर वो आके मेरे घर पे डोर नॉक किए, और करने के बाद उन्होंने मुझे पैसे मांगी थी, तो नेचुरली मैं कैजुअल्स में मतलब रिलैक्स वहाँ पे हुआ था, तो रिलैक्सेशन में था, तो मैं पर्स लेके जब पैसा दे के जब मैं गया वहाँ पे तो औरत नहीं थी। और याद करने वाली बात यही है कि आधे घंटे या फिर 45 मिनट के अंदर वहाँ पे इतना जोर से तूफान और बारिश आया कि पूरी रात वहाँ पे करंट ऑफ था, हम लोग को पूरा रात वहाँ पे बिना लाइट बिना पंखे के साथ सोना पड़ा। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव बंदे लोग जो थे वहाँ पे, तो लोग सुबह सुबह ही हम लोग का कॉटेज चेंज करके, बंगलो चेंज करके हम लोग को कॉटेज में शिफ्ट कर दिया था। नहीं मुझे बताओ, क्या रात में तुमको ऐसा लगा कि कोई साया तुम्हारे आसपास मंडरा रहा है या कुछ? वैसा तो कुछ कभी मैंने महसूस नहीं किया, लेकिन हाँ वैसे भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है एक्चुअली मेरे साथ, लेकिन हाल ही में एक बहुत बुरा सपना आ रहा था बहुत दिनों से, मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ है, महसूस किया मैंने कि तुम छत पे हो अकेले। हाँ, और साथ ही साथ ना कोई एक मतलब मैं किसी को महसूस कर रहा हूँ कि मैं वहीं पे हूँ, लेकिन जब भी मेरा नींद टूटता है ना तो मैं अपने खट पे ही मिलता हूँ, मुझे बीवी के पास ही सोया हुआ। तो क्या पीताम्बर बंगलों में ऐसा नहीं हुआ था कि तुम छत पे थे? मुझे तो ना ठीक याद नहीं है एक्चुअली। सबसे पहले एक काम करते हैं, तुम्हें याद दिलाने से पहले उसे एहसास दिलाते हैं कि तुम जो कह रहे हो वो सही है। मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं। मुझे पता है, but she don't believes, है ना? क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं था कि मैं ये किसको बताऊं, मतलब मैं आज यहाँ पे आया हूँ तो एक सिमिलर सा एक एटमोसफेयर मुझे मिला, तभी जाके मैंने अपने बीवी के सामने मैं ये कन्फ्यूज किया, वरना मैं कभी भी बताता भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद लगता था कि ऐसा कि मतलब ये कुछ सपना ही था शायद कुछ। तो तुमको विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे ये सब एकदम भी विश्वास नहीं होता। भगवान पे विश्वास होगा तो? हाँ भगवान, तो शैतान पे क्यों नहीं? नहीं है, मुझे तो ये सब भूत वगैरह में कुछ ऐसा बिलीव नहीं होता है, और वो शायद दारू पीकर हो था, वो इसीलिए वो सब भूत भूत उसको दिखाई दिया,
मुझे तो एकदम भी ये सब विश्वास नहीं होता है। भगवान को भी हम कभी भी सामने से तो नहीं दिख रहे ना, तो फिर भूत को कैसे ऐसे सामने से देख सकते हैं? और अगर मैं दिखा दूं तो? दिखाओ, तुमको अगर कुछ प्रूफ करना है तो कर लो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ होने वाला, क्योंकि जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे तब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि सैटर्न डर पे जीता है। मैंने पहले भी ये बात बताया था, जो जितना डरता है सैटर्न उसको उतना ही काबू करता है। तुम अब तक नहीं डरी इसलिए सैटर्न का काबू तुम पे नहीं है, पर वो तुम्हारे पति पे इसलिए हावी है क्योंकि वो उस जगह से घूम के आया है जहाँ पे सैटर्न का वास था। ओके ओके, तो एक काम करते हैं, ठीक, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ और तुम अपने पति पे विश्वास करो। अगर तुम उस पर विश्वास करोगी तो उसका ये डर भी दूर हो जाएगा, और वो डर कैसे दूर करना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी, बट पहले तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। अच्छा, तो एक काम करते हैं, एक प्लान शीट करते हैं, ठीक है? ठीक है, किसी एक ऐसे इंसान, वो उसके लिए तो मुझे कुछ करना ही है, तो फिर वो ये सब प्रॉब्लम फेस कर रही है तो मुझे तो थोड़ा बहुत उसके लिए कुछ करना है, तो फिर ठीक है, अगर तुम बोल रही हो तो उसका प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाता है तो ठीक है मैं कर। तुम उसके अर्धांगिनी हो, तुम उसकी बेटर हाफ हो, तुम नहीं उसका साथ दोगी तो और कौन देगा? बट चूंकि तुम विश्वास नहीं करती इसीलिए यहाँ आज हम विश्वास करवाएंगे पहले तुम्हें कि ये सब होता है, ये सारी एनर्जीज होती हैं, वाइब्स प्रेजेंट है, और ये वाइब्स को प्रेजेंट दिखाने के लिए आई डू अ प्लान शीट फॉर यू, और तुम मुझे उस एक इंसान का नाम बताओगी जो इस दुनिया में नहीं है पर उसके और तुम्हारे बीच में ऐसा कॉन्वर्सेशन हुआ है जो सिर्फ तुम दोनों को पता है, और मैं वो सारी बातें रिवील करूंगी। नहीं नहीं, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ये प्लान चेक करना जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी वाइफ को विश्वास दिलाना। अगर उसे इस बात पे विश्वास ही नहीं है कि सैटर्न जैसी कोई शक्ति है तो कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अखिलेश की प्रॉब्लम अलग है, अखिलेश और सनाया ने वो चीज देखा है, वो विश्वास करते हैं, पर उनपे सैटर्न आज अफेक्टेड है, ठीक है, इस वजह से आज अखिलेश के लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, पर मैं नहीं चाहती कि सैटर्न और किसी की लाइफ को भी अफेक्ट करे, क्योंकि तुम भी वहां से घूम के आ चुके हो, इसलिए मैं चाहती हूँ पहले तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि अखिलेश का प्रॉब्लम, विक्रम का प्रॉब्लम या हमारे साथ मौजूद सारे हमारे फ्रेंड्स का प्रॉब्लम हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब ने सैटर्न को रूबरू अपनी आंखों से देखा है। हो सकता है सैटर्न ने मेरा रूप धारण किया हो, बट इन्होंने सैटर्न को अपनी आंखों से देखा है, और अब तक मैं उसका जवाब खोज नहीं पाई हूँ, इसके लिए मुझे वक्त लगेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि सैटर्न और किसी को भी परेशान करे। माइथोलॉजिकली सैटर्न सबसे बड़ा डेविल है, आज भी उसका प्रेजेंस हर जगह है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें, एटलीस्ट तुम्हें ये ऐसा इन्फेक्ट करे, बट इस इन्फेक्शन से बचने के लिए तुम्हारी वाइफ को बिलीव करना जरूरी है, और उसके बाद वी कैन गो फॉर डिफरेंट रिचुअल्स। तो इसमें उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा ना? कुछ नहीं होगा, उसे बस उस लड़का लड़की फ्रेंड रिलेटिव का नाम बताना है जिसे वो यहाँ बुला के इंटरेक्ट करना चाहती है, जिससे वो दृष्टि को बुलाते हैं, ठीक है? थोड़ी सी तैयारी, फ्रेंड, हाँ, वो मेरी फ्रेंड है, वो स्कूल की कौन है क्या है वो खुद आके बताएगी, बस थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है, ठीक है? ठीक है, तो चलो। लोग अपना अपना हाथ पकड़ लो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो,
दृष्टि। दृष्टि 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 यहाँ आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। दृष्टि, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। दृष्टि, मैं माया तुम्हें आज्ञा देती हूँ, अभी के अभी यहाँ आओ, अभी के अभी यहाँ आओ। ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम लोग हमेशा कमों का ही हमेशा बकवास करने रहते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। दृष्टि, मैं हूँ दृष्टि, दृष्टि मैं हूँ दृष्टि, दृष्टि हाँ मैं हूँ दृष्टि, स्कूल फ्रेंड दृष्टि, हाँ मैं तुम्हारी दृष्टि। तुम मेरा कुछ पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दो, फिर मुझे थोड़ा बस विश्वास होगा। तो पहली बार कब सिगरेट पीने गए थे? जब हम क्लास 10 में पढ़ते थे, मेरे घर की बालकनी में। अच्छा, वो बोलो तो हम लोग का क्रश भी गया था, पहली बार हम मम्मी पापा को ना बोल के गए थे। हम नवाज पॉइंट गए थे, हमारे क्लास के मैथ्स टीचर वहाँ आए थे। ऐसा तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। त्रिशा तुम हो जिम्मेदार, तुम हो जिम्मेदार त्रिशा, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है यार, ऐसा हो नहीं सकता। दृष्टि अभी भी मरा हुआ नहीं है यार, वो जिंदा है, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा है, वो तो जिंदा है यार। क्या हो गया तुमको माया? माया उठो, जाके देखो, जाके जाके थोड़ा देखो ना। माया 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 उठो, माया क्या हो गया? ठीक हो? हेलो हेलो त्रिशा, मैं प्याली बोल रही हूँ। हाँ प्याली बोल। त्रिशा देयर इज अ बैड न्यूज। हाँ अभी अभी दृष्टि का एक्सीडेंट हुआ है। दृष्टि का? हाँ उसका कार एक्सीडेंट हुआ है, उसकी मम्मी का फोन आया था। हाँ तू जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जा। क्या बोल रही है, दृष्टि का एक्सीडेंट? हाँ दृष्टि हमारे बीच नहीं रही त्रिशा, तू जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंच। हेलो त्रिशा, त्रिशा हाय गाइस, से हाय। सो इफ यू लाइक द वीडियो सो काइंडली Like, share, comment, and subscribe. We love you all. Love you guys. Love you guys.